प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की लाइट बंद कर दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल का लाइट चलाने की अपील की है। लेकिन इसे लेकर बिजली विभाग रांची के महाप्रबंधक संजय कुमार ने प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने के साथ ही उपभोक्ताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे लाइटें बंद करने संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं, उस संबंध में मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजली का संचय नहीं किया जा सकता, इसे स्टोर नहीं किया जा सकता। ये जब उत्पादन होता है उसी मोमेंट में हम इसे खपत भी करते हैं। बिजली उत्पादन और खपत में बैलेंस बनाना बहुत ही आवश्यक है। दोनों में अगर खपत ज़्यादा हो जाए या उत्पादन कम हो जाए, या उत्पादन ज़्यादा हो जाए और खपत कम हो जाए, दोनों ही स्थिति में हमारे ग्रिड्स जो है सो अनस्टेबल हो जाते हैं और पावर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इस समस्या से निदान के लिए मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूँ कि वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अपनी बिजली, अपने जो लाइटें हैं घर की, उन लाइटों को बंद जरूर करें, लेकिन मेन स्विच से उसे बंद नहीं करें। वो अपने घर में जो स्विच लगे हुए हैं लाइट्स के, उसके थ्रू उन लाइट्स को बंद करें। इसके अलावे, लाइट्स के अलावे और भी जितने उपकरण हैं, जैसे कि पंखा, कूलर, एसी या अन्य उपकरण, जैसे मान लीजिए आप इंडक्शन कुकर चलाते हैं, तो ये सब इक्विपमेंट्स उस दरमियान चालू रहने दें ताकि लोड एकदम से कम नहीं हो। एक और मैं इसमें जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोग मोटर से पानी भरते हैं वो भी कोशिश करें कि कल के दिन में मोटर जो है सो अपना शाम को ही चलाएं, वो 9:15 बजे के आसपास वो अपना मोटर चलाएं, और ताकि वो पीरियड में वो मोटर उनका कंटिन्यूटी में चलता रहे, जिससे कि एकाएक जो लोड कम होने की बात है उसको हमें मैनेज करने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त हमारे सभी कर्मचारी, सभी पदाधिकारी हाई अलर्ट मोड में हैं, सभी दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। हमें उच्च अधिकारियों से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं हम उनको अमल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं सभी उपभोक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, इस लॉकडाउन की स्थिति में वो अपने धैर्य से जो हमें अपना साथ दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं जो इस लॉकडाउन की स्थिति में कार्य कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि हम विद्युत आपूर्ति आप तक पहुंचा सके, आपसे निवेदन है कि आप हमें अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद माननीय प्रधान। तो बिजली विभाग ने यह निर्देश दिया था कि 5 अप्रैल की रात यानी आज रात बिजली का संचय नहीं किया जा सकता है, उत्पादन के साथ खपत भी जरूरी है, इसलिए खपत कम या खपत ज्यादा होने से पावर ग्रिड अनस्टेबल होता है। प्रधानमंत्री के अपील का पालन आप करें, लेकिन सिर्फ लाइट बंद करें, बाकी बिजली के उपकरण बंद ना करें, इससे ब्लैकआउट होने का खतरा हो सकता है। पानी का मोटर भी उसी वक्त आप चलाएं तो ज्यादा अच्छा है, इससे लोड मैनेज करने में सुविधा होगी। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बिजली विभाग ने हाई अलर्ट मोड पर रहने को भी कहा है, और जो बिजली विभाग ने निर्देश दिए हैं उसे जरूर उसका आप पालन करें, बिजली विभाग का सहयोग करें, क्योंकि अचानक आप पूरे बिजली के उपकरण बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि बिजली के उत्पादन के साथ उसकी खपत होती है, बिजली का संचयन नहीं होता, उसे संचय नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका खपत होना ज़रूरी है, और अगर अचानक से खपत बंद हो जाती है तो बड़ा सा ब्रेकडाउन हो सकता है, इसलिए आप तमाम जो बिजली के उपकरण हैं उन्हें चलने दें, लेकिन बस अपने लाइट को ऑफ करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।